What's up guys, हम है आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, चेन के तरफ से सबसे पहले मैं उसके गाने के बारे में बात करने से पहले, मैंने कल एक स्टोरी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि गाइस सजेस्ट करो, तो उसने उसमें एक बंदे ने बोला था निशू कि गाइस चेन के को आप एक्सप्लोर करो। चलो ठीक है, देखो हम लोगों ने बहुत पहले चेन के को सुन चुका हूं, बिल्कुल वो गाने का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो गाना भी अच्छा लगा था, ठीक है लगा था वो गाना, उसके बाद मैं नहीं सुन पाया, बट अभी आपने बोला और जब इसमें लिखा है कि चेन के असली हिप हॉप 2.0, इसमें गालियां भी हो सकती है, डिस 18+ है, ठीक है गाइस, उर्दू रैप है, तो आप लोगों ने बोला कि ये डिस है, बहुत सारी चीजें भाई ने बोली है, तो जो भी बोला है हम लोग अभी सुनते हैं और सुनने के बाद बात करते हैं। तो सीधा वीडियो पे आते हैं, आपका काम यही है कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो। सुनते हैं शायद पहली बार हमारे चैनल पे चेन के को, बिल्कुल पहली बार, इसके पहले सुना है अपन ने, इसके पहले हम लोगों ने शायद रिव्यू भी किया है भाई के, किया है शायद, चेक करना पड़ेगा मुझे, सुना तो मतलब चैनल पे शायद पहली बार हो सकता है, पर सुना हमने है भाई को बहुत पहले, सुना हाँ जब हम लोगों ने चैनल चालू किया था उस टाइम पे, वो टाइम पे सुना था, तो चलो आते हैं, बिल्कुल चेन के बात करते हैं असली हिप हॉप 2.0 पे। चलो नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना और आपका फेवरेट लाइन जरूर बताना, बिल्कुल जी। ये क्या कुनबीन देखे है भाई, अरे यार ऐसा क्यों लग रहा है, चेन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चर सी तला, हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चेन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा, हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बात। इससे ही समझा मेरे को कि ये सबको सबको पेलने वाला है, सबको पेलने वाला है। चलो एकदम से मेरे को ऐसा लग रहा मैं वापस आ गया हूँ, सबसे डरेगा तो फिर क्या, मेरा डिस नहीं चला तू क्या करेगा, पहले से कौन सा गाना था वो, सीन तू क्या चेंज करेगा, एबीए का नहीं क्या, चलो सुनते हैं, 5 मिनट का गाना है ये, क्या है चेन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चर सी तला, हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चेन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा, हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका, फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंध लिरिक्स में मिला के दिखाऊं, तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीबे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के, मैं सच बोलूं। अरे ये तो धोती, ये तो धोती खोल रहा है भाई, बोल रहा है भाई, तो धोती खोल रहा है, अरे बाप, नाइस 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 भाई, क्या बात है, Nice. मैं कुछ नहीं कर सका, चेन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा, हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका, फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंध लिरिक्स में मिला के दिखाऊं, तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीबे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के, मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है क्या बादशाह टट्टी नहीं है, अरे यार हिप हॉप के नजारे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे, अखीर लिखा रही इसके क्यों उठा रहे, क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे, ओ तभी रैपर से सर झुका रहे, क्या बोल रहा है भाई, क्या हो गया भाई, बोल रहा है तो छूट गया है, हां ये छूट गया है भाई, शॉट बजा दिया छोकरे ने, वाओ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे, ओ तभी रैपर से सर झुका रहे, क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने, ब्रो तभी मुंह पे लगे इनके ताले, लिखारी तभी ये कमर्शियल्स बना रहे, सारे रैपर्स हो गए कमर्शियल, हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स, ये समझते नहीं बंदर, हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के, रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे तू के हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन,
दिन मैं हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूं, क्योंकि मैं परेबों से भूल गए खुदा को, ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में गानों में सुनते नहीं गंद या फहाशी लिरिसिज्म इनकी रब से ना फरमानी बच्ची बाजी नशा या ईगो बदमाश इनके टॉप फाइव हराम खोर और शराबी रब की बातें करूँ तो हेटर वो चीखा मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता कंपेयर करे तो चर्चियों से रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से फोकस इनका रैप से ज्यादा ऐस पे दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला वही तला जो बना नहीं सका कौम तबा नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी भाई साहब क्या चालू है भाई ये बंदा क्या तापेला यार बहुत तापेला है और धड़ाधड़ 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 दिए जा रहा है सबको ले लिया इसने एकदम किसी को नहीं छोड़ रहा बुरा वाली भूषण कुमार वाली अरे तो बाप रे बाप रे ओ मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्चियों से रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से फोकस इनका रैप से ज्यादा ऐस पे दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला वही तला जो बना नहीं सका कौम तबा नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भी की बिल्ली सारे डार से फटती हर किसी की डर तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ बोहेमिया भी अच्छा राइटर है लेकिन पैसा नशा प्यार पैसा सिर्फ हलाल नशा ईमान को और प्यार सिर्फ अल्लाह को झुके ना सर आगे किसी इंसान के नादर उतार देगा झूठों की खाल है नादर के बोल रब की तलवार है नादर के बोल जुल्फिकार है अली की डोरू में झूठ की मौत हूँ मैं एक नहीं सौ मैं पाकिस्तानी कौम हूँ मैं पूछे जो कौन हूँ मैं असली हिप हॉप हूँ मैं दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं कृष्णा को है मिली चैन की वजह से बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के करियर क्या बनता दोनों का वरना ये नशों में चरसों में कब के मर झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं अपने फैंस को चरसे मैं पिलाता नहीं बेच के कलम भरा घर का किराया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं ये बहुत तापेला है भाई ये आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फखर फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चबल नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर इलाज रूहानी का सोच के यूनिस की टांगे आज भी काम थी इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर अवाम ये नहीं जानती पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैं इनसे भी पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की अपनी और एमएलए की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं लड़ूं इन दो कीड़ों से तंकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लानती फलस्तीनियों की शहादत के बाद यार देख अपने अपने जैसे अपने कास्ट के ऊपर बात करना बड़ी अच्छी बात है इस्लाम पे लिखता है बिल्कुल वो बोल रहा नाइस अच्छा चल रहा है यार बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है भाई भाई से किधर पहुंच गया वो हां वही देख रहा हूं इनकी थंबनेल की तस्वीरों में कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं लड़ूं इन दो कीड़ों से तंकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लानती फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा बस हम शकल ये कौम तबा कर दे तबा इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा भाई कैसे वो हारा बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक थूके मेरा इन पे नफ्स मारा शुक्र करूं मैं रब का भर दूं घर का वक्त पर किराया अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था
समझ नहीं आती क्यों तपता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉड रोहित को सलाम मेरा, बायस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा, गधे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं, हिप हॉप न्यूज में आंख की तरह क्यों नाम मेरा पैगाम मेरा। अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी, इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता के अभी तक बिकाई नहीं। बिल्कुल ऐसा तो ना मुंह में ले ले, कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास, फाड़ के फेंक दिए हिप हॉप लिस्ट, बस गिनती के दो तीन रह गए, बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते हैं झूठे सांप लाश बेज़मीर लानती लोग। बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, सच्चाई बोली है भाई ने। एड में तो जो बोल के गया ना भाई, नाइस, क्या बात है, नाइस नाइस भाई नाइस। सच बोलने वाले को कीमत नहीं भाई। तो गाइस एक चीज मैं बोलूं तो चेन के भाई ने बहुत सालों बाद में सुना, बट मेरे को अभी समझा कि इसके सब्सक्राइबर और भाई के व्यूज कम क्यों है बाकी लोगों से, क्योंकि सच्चाई बोल रहा है, बोलता है ना, बिल्कुल सच्चाई बोला तो लगता है प्रॉब्लम हो जाती पब्लिक को बहुत ज्यादा, फिर वही पेट प्रमोशन करके अरे ये घटिया है ये अच्छे ये घटिया है ऐसा, और खराब से खराब आर्टिस्ट को ये नहीं सुना, अरे ये नहीं सुना क्या, अरे सुनो कुछ नहीं है उसके गाने में, गाने में कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है गाने में, बट बोला जा रहा है कि सुनो, नकली खुद को समझ में तो भी आया क्या भाई। जिस दिन मैं बता रहा हूं वो दिन ज्यादा दूर नहीं, जिस दिन पता चलेगा यार जुड़वा सही थे यार, जुड़वा ही सही बात करते हैं, बाकी सब तो चूतिया काट रहा है सबका, पब्लिक का चूतिया काट रहा है, हम लोग स्टार्ट टू एंड अब तक वही है जो पहले थे, सही बात है। कपड़े पहनने को दूसरा टाइम नहीं रहता, इसलिए एक ही अपना ये पहन के इस पे गुजारा करते, समझ रहे ना, क्या बात है, आएगा वो बढ़िया आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सही बोले भाई चेन के भाई, एक बहुत सारी बातें बोल दी, मजेदार गाना और मस्त गाना था भाई, और सोचने में भी मजबूर किया भाई ने, क्या बात, नाइस मजा आया, वेरी नाइस, बस यही था यार, और कुछ नहीं बोलेंगे अपन, और ज्यादा नहीं बोलेंगे अपन, इतना ही ठीक है, इतना इसलिए समझ रहा ना, सच्चाई बात करता है इसलिए पीछे है, बिल्कुल झूठ बोलेगा ना तो आगे रहते, आगे रहेगा, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, अरे बहुत सारे, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, चाहे वो हिप हॉप इंडस्ट्री में हो, चाहे कुछ भी हो, क्या बोलेगा अभी, झूठ झूठ झूठ, अरे उसकी टिकटें बिक रही है भाई, क्या झूठ, अरे वो तो हाइप बना रहे भाई, वो तो मार्केटिंग 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 मार्केटिंग, क्या है भाई, चलो ठीक है, जैसे जिसको सही लगता है वो करे ही करे, सब आप सब मेहनत करे और सब आगे जाए, बस बस सब करो आगे जाए सब। बाकी आपको कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये भाई के गाने के बारे में अगर कुछ टिप्पणी होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में करना, हम लोग जरूर सुनेंगे, बाकी अगर हमसे कुछ छूट गया होगा माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट।